आज हम क्लास 3, 4, 5, 6 के लिए लाइट एंड शैडो चैप्टर लिखे आए। लाइट एंड शैडो मीन्स लाइट मीन्स प्रकाश, शैडो मीन्स छाया या परछाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट तो आप जानते ही, प्रकाश होता है। हम ये जानेंगे कि लाइट हमें प्रभावित कहां से होता है, हमें मिलता कहां से है। तो लाइट बोला द सन गिव अस लाइट। लाइट का सबसे जो मेन सोर्सेस है, प्रोवाइड होने का जो मेन सोर्सेस है वो सन है। सन ही ऐसा लाइट का मेन सोर्सेस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट हमारे अर्थ को लाइट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है एक ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ये बर्निंग कैंडल ऑल्सो गिव अस लाइट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब को आप देखते होंगे घरों में, चौक चौराहों पर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते होंगे, उससे भी वो रात नाइट के समय वो भी लाइट देती है। कैंडल को जलाने पर भी लाइट मिलता है, फायर से भी हमें लाइट मिलता है। तो हम अब नेक्स्ट जानेंगे सोर्स ऑफ लाइट किसको कहेंगे। तो सन को कहेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को कहेंगे, बर्निंग के कैंडल जो जलता है बर्न होता है तो उसको, ये सब जो होंगे सोर्स ऑफ लाइट हो गए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट होना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है हम जानेंगे। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनीथिंग इट ऑल्सो बाउंसेस ऑफ, वी कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी थिंग्स पर पड़ती है और पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये किसको कहेंगे। तो जब किसी भी थिंग्स पर लाइट पड़ती है और पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन सी एनीथिंग आवर आइज। हम अपने आइज के द्वारा किसी भी थिंग को कैसे देख पाते हैं। हम जानते हैं कि विदाउट लाइट का हम कोई भी थिंग्स को देख नहीं सकते हैं। तो बोल रहा है वी कैन सी थिंग्स लाइक ए बुक बिकॉज द रिफ्लेक्ट लाइट टू आवर आइज। हम किसी भी थिंग्स को देख पाते क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन कारण। लाइट पहले हमारे आइज पर पड़ती है, आइज से रिफ्लेक्ट होके उस थिंग्स पर जाती है, तब उस थिंग्स को हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है हम लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सेवन प्रॉपर्टीज है लाइट के। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं। सेकेंड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसको प्रकाश का अपवर्तन कर सकते हैं। थर्ड है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसको प्रकाश का विवर्तन कर सकते हैं। फोर्थ है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का हस्तक्षेप कर सकते हैं। फाइव है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का ध्रुवीयकरण कर सकते हैं। सिक्स है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का फैलाव कर सकते हैं। सेवन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्रमण कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ जो मुख्य पॉइंट है, ये तो 7 प्रॉपर्टीज है, लेकिन 7 प्रॉपर्टीज अभी क्लास 3 से लेकर 6 तक को भी 7 प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ना है। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम विस्तार रूप से आगे हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट है लाइट चैप्टर में ही शैडो किसको कहेंगे। शैडो इट मीन्स इसका हिंदी होता है छाया, परछाई। तो आप हम चलते हैं जब लाइट में देखते होंगे तो
नून के समय, दोपहर के समय या मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय तो हम चलते हैं, तो हमारे ग्लैंड पर शेडो बनता है, परछाई बनती है। तो कहेंगे कि ये शेडो इज ए डार्क सेल दैट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स ए सोर्स ऑफ लाइट। शेडो क्या है? एक डार्क शेप है। अरे कैसे बनता है? जब कोई भी ह्यूमन जब लाइट के रास्ते में आता है या लाइट को ब्लॉक कर देता है तब उसकी शेडो बनती है। अब हम जानेंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे हर टाइम शेडो बदलते रहता है। मॉर्निंग में कुछ शेडो रहेगा, शेडो का जो आकृति है शेप है वो बदलते रहता है। मॉर्निंग में कुछ है, नून में कुछ है और इवनिंग में कुछ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेडो शॉर्ट कब बनता है, सबसे शॉर्ट छोटा कब बनता है। तो व्हेन द सन इज राइट अबव योर हेड इट इज शॉर्ट शेडो ऑन द नून। जब सन आपके हेड के ऊपर होगा इट मींस नून को दोपहर को, तो आपका शेडो क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। आपका शेडो क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा, शॉर्ट बनेगा। नेक्स्ट है व्हेन द सन अपीयर्स लो इन द स्काई अर्ली मॉर्निंग इवनिंग शेडो आर लॉन्ग। अब जैसे जैसे सन जो है आपके हेड से थोड़ी सी तिरछी होती जाएगी तो आपका शेडो लॉन्ग बनने लगेगा। तो ये कब होता है? तो अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम में। इसलिए अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में हमारा शेडो बिग बनता है, लॉन्ग बनता है। नेक्स्ट है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन ट्रेवल ऑफ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे? जब लाइट किसी भी थिंग्स के ऊपर पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको हम रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। पुनः एक बार फिर पुनः समझ लीजिए कि लाइट है क्या। लाइट है कि शेडो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट है क्या? तो लाइट हमें कहां से प्राप्त होता है? सन से। और लाइट का कौन सा सोर्स है? तो अभी इलेक्ट्रिक बल्ब से भी हमें लाइट मिलता है, कैंडल को बर्न करते उससे भी लाइट हमें प्राप्त मिलता है और फायर के द्वारा भी हमें लाइट मिलता है।